सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। वेलकम टू द 23rd जावा ट्यूटोरियल। इन दिस ट्यूटोरियल वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एक्सेस मॉडिफायर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो एक्सेस कर लीजिए। यहाँ पे सारी जावा की वीडियो है, तो आप इन सभी को देख लीजिए ना। तो सबसे पहले चलते हैं अपने PDF की तरफ और देखते हैं एक्सेस मॉडिफायर है ना। एक्सेस मॉडिफायर इज अ कीवर्ड दैट स्पेसिफाइज हाउ टू एक्सेस द मेंबर्स ऑफ अ क्लास और अ क्लास इटसेल्फ। वी कैन यूज एक्सेस मॉडिफायर बिफोर द क्लास एंड इट्स मेंबर। तो ये क्या कह रहा है कि जो एक्सेस मॉडिफायर है वो कीवर्ड है जो स्पेसिफाई करता है, जो बताता है कि क्या कौन से मेंबर एक्सेस होंगे, कौन सी क्लास एक्सेस होंगी, मतलब आउटसाइड द क्लास कौन सी मेंबर एक्सेस होंगे ना। तो वी कैन यूज़ एक्सेस मॉडिफायर बिफोर द क्लास एंड इट्स मेंबर। तो अपन हम जो भी एक्सेस मॉडिफायर हैं उनको क्लास से पहले और मेंबर उनके उसके मेंबर से पहले उसको यूज करते हैं। तो बेसिकली चार तरह के एक्सेस मॉडिफायर होते हैं, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड डिफ़ॉल्ट, है ना। तो सबसे पहले अपन चलते हैं प्राइवेट पे कि प्राइवेट क्या होता है। प्राइवेट मेंबर्स ऑफ अ क्लास आर नॉट एक्सेसिबल एनीवेयर आउटसाइड द क्लास। जो प्राइवेट मेंबर्स जिनको अपन प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर से मेंबर्स को अपन जो भी मतलब डिफाइन करते हैं उनको अपन उस क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, उस क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। दे आर एक्सेसिबल ओनली विद इन द क्लास बाई द मेथड्स ऑफ दैट क्लास। अगर जो भी अपने प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर से डिफाइन मेंबर्स हैं उनको अगर अपन किसी मेथड्स के अंदर उसी क्लास में अगर अपन कोई मेथड्स बना के अगर उसको मेथड्स में अंदर डिफाइन कर दें और फिर बाहर क्लास के बाहर से मेथड्स को कॉल करें तो वो एक्सेस हो सकते हैं, है ना। तो ये अपना प्राइवेट हो गया। अब अपन पब्लिक पे चलते हैं। पब्लिक क्या है? पब्लिक हर जगह पे एक्सेस हो जाएगा, क्लास के बाहर भी, क्लास के बाहर कैसे मतलब हर जगह से एक्सेस हो सकता है पब्लिक। तो क्या ये लाइन क्या कह रही है इसको एक बार देख लेते हैं। पब्लिक मेंबर्स ऑफ अ क्लास आर एक्सेसिबल एवरीवेयर आउटसाइड द क्लास सो एनी अदर प्रोग्राम कैन रीड देम एंड यूज देम। ये यही लाइन कह रही है कि कहीं से भी जो भी पब्लिक मेंबर्स हैं उनको अपन एक्सेस कर सकते हैं। अगला आता है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड क्या कहता है कि प्रोटेक्टेड क्लास आर एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास बट जनरली विद इन द सेम डायरेक्टरी, है ना। तो इनको अपन बाहर वाली क्लास से एक्सेस नहीं एक्सेस कर सकते हैं बट एक ही डायरेक्टरी के होनी चाहिए, है ना। अगला डिफ़ॉल्ट आता है। डिफ़ॉल्ट क्या होता है? अगर अपन कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लगाएं तो वो डिफ़ॉल्ट माना जाता है ना। और जो डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर होता है उसको भी अपन कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। देखो ये लाइन क्या कह रही है। डिफ़ॉल्ट इफ नो एक्सेस स्पेसिफायर इज रिटन बाय द प्रोग्रामर देन द जावा कंपाइलर यूजेज अ डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर। डिफॉल्ट मेंबर्स आर एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास बट विद इन द सेम डायरेक्टरी, ठीक है ना। चलो अपन सबसे पहले ना एक चीज़ और देख लेते हैं। ये एक नोट यहाँ पे है उसको और देख लेते हैं कि वी जनरली यूज प्राइवेट फॉर इंस्टेंस वेरिएबल्स एंड पब्लिक फॉर मेथड्स। जो अपन प्राइवेट यूज करते हैं वो इंस्टेंट वेरिएबल्स, वेरिएबल्स का मतलब हो गया जो अपन ID है, नेम है, जो अपन जिसमें कोई भी वैल्यू स्टोर करते हैं उनको अपन वेरिएबल कहते हैं। उसको उसके लिए तो अपन प्राइवेट यूज करते हैं। और जो भी अपन मेथड बनाते हैं मेथड को तो अपन बाहर से अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो उसको पब्लिक बनाना ही पड़ेगा, तो उसको अपन पब्लिक बनाते हैं ना। इन जावा क्लासेस कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड बाई यूजिंग प्राइवेट। क्लास को अपन प्राइवेट नहीं करते। तो अपन एक छोटा सा प्रोग्राम देख लेते हैं प्राइवेट के ऊपर, क्योंकि अपन प्राइवेट बहुत ज़्यादा यूज करने वाले हैं आगे, बहुत ज़्यादा, है ना। चलते हैं अपन सीधा। तो आज ये कौन सी वीडियो है पहले वो देख लेते हैं, कौन सी वीडियो है। ये अपनी आज 23rd वीडियो है, है ना। तो चलते हैं अपन सीधा और एक नई क्लास बना लेते हैं। क्लास बन गई। अब मेन क्लास के अंदर एक मेन मेथड भी बना लेते हैं और इसको सही से सेट कर लेते हैं।
सेट कर लेते हैं, ठीक है, और एक अपन अपनी कस्टम क्लास बना लेते हैं, क्लास हुई एक एम्प्लॉय। चलो ये क्लास बन गई। अब सबसे पहले अपन प्राइवेट का देखते हैं कि प्राइवेट वेरिएबल्स को अगर एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो अपन एक प्राइवेट प्राइवेट ले लेते हैं, प्राइवेट के लिए एक इंट करके आईडी ले लें, और अगला ले लेते हैं प्राइवेट एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, नेम है ना। चलो ये ले लिया। अब इसको देखते हैं कि अपन पहले ऑब्जेक्ट बना लेते हैं इस क्लास का, तो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय। अब क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट से इसको एक्सेस करके देखते हैं कि होता है कि नहीं होता। ऑब्जेक्ट आईडी, अब ऑब्जेक्ट आईडी हो गया और ऑब्जेक्ट अपन 16 और 17 लाइन में देख सकते हैं कि ये जो रेड कलर की लाइन आ गई है ना, ये अपन को क्या कह रही है कि सिंटैक्स एरर और टोकन इनवैलिड असाइनमेंट ऑपरेटर द फील्ड एम्प्लॉय आईडी इज नॉट विजिबल। नॉट विजिबल मतलब जो प्राइवेट है ना, जो आईडी है प्राइवेट, अब स्पेसिफायर क्या कर रहा है कि आईडी को विजिबल नहीं कर रहा है, क्लास के बाहर वो दिखाई नहीं दे रही आईडी है ना। तो अब अपन क्या करते हैं, अब भाई जो अपने प्राइवेट क्लास प्राइवेट जो मेंबर्स डिफाइन किए हैं वो एवं तो करे नहीं है, इसका कुछ तो मतलब होगा। अगर अपन ने सारे प्राइवेट कर दिए तो फिर इसका मतलब ही क्या होगा, बाहर अपन जब एक्सेस नहीं कर पाएंगे तो फिर वेरिएबल्स का क्या मतलब होगा। तो ये अपन ने सबसे पहले अपन जानना चाहते हैं कि ये करे क्यों हैं। ये अपन करे इसलिए हैं क्योंकि डायरेक्ट कोई बाहर से अपने किसी भी आईडी को नेम को डायरेक्ट स्पेस एक्सेस नहीं करे, डायरेक्ट उसमें कुछ चेंज नहीं करे, इसलिए अपन ने ये करी है। तो अब भाई अब इसका तोड़ क्या है, इसको करेंगे कैसे आगे, तो इसके लिए अपन को यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, तो चलो पहले पीडीएफ में क्या यूज करते हैं, इसके लिए अपन यूज करते हैं गेटर्स और सेटर्स है ना। इसको एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, उसको अपन बाद में देख लेंगे। गेटर सेटर क्या करता है, गेट रिटर्न करता है वैल्यू को, ऐसे अपन ने एक मेथड बनाया सेट नाम करके, सेट आईडी करके एक मेथड बना लिया है ना, और उसमें अपन ने ना एक नंबर सेट कर दिया, और उसके बाद फिर एक गेट आईडी करके नाम बना लिया, और उससे अपन ने वैल्यू को प्रिंट करवा लिया है ना। तो ये गेटर सेटर का काम हो गया। तो इसको एक बार देखते हैं जाके प्रोग्राम में कि कैसे, वो पब्लिक वॉइड और फिर अपना सेट आईडी करेंगे, सेट आईडी करा, और इस सेट आईडी में अपन एक कुछ वैल्यू देंगे तभी तो वो चीज़ सेट होगी, तो अपन एक इंट एन करके एक वैल्यू दे देंगे, और आईडी में इस एन को कॉपी कर लेंगे, इस आईडी में इस एन को कॉपी करेंगे। जो एन क्या है, एन अपन देंगे इसको, एन अपन इनपुट देंगे बाहर से, इस मेन क्लास से इस एन को इनपुट देंगे है ना। तो ऐसे ही अपन एक इसको कॉपी करके एक अपन सेट नेम के लिए बना लेते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा नेम। अब मैं कुछ अलग ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ। तो अपना अगला क्या बनाएंगे, गेट, अपन को अब गेटर भी तो बनाना पड़ेगा, तो उसको कैसे बनाएंगे, पब्लिक इंट आईडी के लिए इंट यूज करेंगे, गेट नेम है ना। चलो ये क्या हुआ, ठीक है, अब क्या इसको रिटर्न करवा देंगे, रिटर्न क्या करवाएंगे, आईडी, सिंपल ऐसे इसको कॉपी करवाओ, कॉपी करवाओ और इसको पेस्ट करो, और सेम नेम के लिए कर लेते हैं अपन, स्ट्रिंग
क्लिक करके गेट, यहाँ पे आईडी होगा, ठीक है ये हो गया। अब अपन मेन मेथड्स को इसको कॉल कैसे करेंगे वो भी अपन देख लेते हैं कि इसको कॉल कैसे करेंगे ना। तो अपन आए मेन मेथड में, ये ज़्यादा नीचे हो गया लगता है मेरे को, मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, सॉरी ज़्यादा नीचे हो गया। पहले तो मेरे को कोई भी वैल्यू सेट करनी पड़ेगी, सेट कैसे करूँगा कि ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से ही तो कॉल करूँगा मैं, ऑब्जेक्ट डॉट सेट आईडी करूँगा, और सेट आईडी में मैं 90 दे देता हूँ एक बार के लिए, है ना। और ऑब्जेक्ट डॉट सेट नेम करूँगा और इसमें मैं दे देता हूँ लतेश। चलो ये बहुत बढ़िया है। अब अच्छा 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 इसमें मैंने स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में डबल कॉलन लगाना पड़ेगा। चलो बढ़िया, वेल एंड गुड। अब मैं क्या करूँगा, सिस आउट कर दूँगा। क्या सिस आउट करूँगा, अब तो सब जान गए होंगे, गेट नेम, गेट नेम और गेट आईडी सिस आउट करूँगा मैं अब। तो ऑब्जेक्ट डॉट गेट आईडी सिस आउट ऑब्जेक्ट डॉट गेट नेम। पर एक बार आप पूरा प्रोग्राम देख लो, स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना है वो ले लो, फिर मैं इसको रन करता हूँ। चलो रन करता हूँ इसको। ये क्या हुआ, प्रॉब्लम आ गई इसमें। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, एक मिनट में पहले इसको रन आउट करता हूँ, कुछ प्रॉब्लम होगी तो मुझे मिल जाएगी। प्रॉब्लम है, चलो मैं देखता हूँ एक बार, यहाँ से देखता हूँ। द टाइप एम्प्लॉय इज ऑलरेडी डिफाइंड। अच्छा 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 मैंने एम्प्लॉय क्लास पहले से बना रखी है, एम्प्लॉय क्लास एक मैंने पहले से बना रखी है, इसलिए मेरे को कुछ नाम अलग रखना पड़ेगा। माई एम्प्लॉय कर देता हूँ, और यहाँ पे भी मैं माई एम्प्लॉय करना पड़ेगा, माई कर देता हूँ, यहाँ पे माई लगा देता हूँ, यहाँ पे माई लगा देता हूँ। अब मैं एक बार दोबारा से रन करता हूँ, रन करने के बाद क्या आता है आउटपुट, डन 90 और 33 आ गया। अगर ये हो गया, अब अगर मेरे को एक और मैं वो बना दूँ माई एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कुछ नाम रख देते हैं, ऐसे कुणाल रख देते हैं, है ना, माई ऑब्जेक्ट कुणाल इक्वल्स टू न्यू माई एम्प्लॉय। अच्छा है, अब इसमें इसको कुणाल को सेट करेंगे। कुणाल को सेट कैसे करेंगे, कुणाल कुणाल डॉट सेट आईडी, कुणाल डॉट सेट आईडी, और इसमें अपन दे देंगे 100 एंड कुणाल डॉट सेट नेम करेंगे, और इसमें इसका नाम दे देंगे अपन कुणाल। डन, अब इसको प्रिंट कर देंगे, सिंपल सा ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ये क्या हुआ, अब इसको प्रिंट कर
जाएगा कुनाल डॉट गेट आईडी करके, है ना, और उसे साउट करेंगे कुनाल डॉट गेट नेम। चलो इसको भी रन कराते हैं। यहाँ पे आ गया 100 और कुनाल, है ना। अब ऐसा ही सेम प्रोग्राम एक आपको बनाना है। आपको क्या करना है, एक रेक्टेंगल का प्रोग्राम बनाना है। उसमें आपको एरिया पैरामीटर, उस रेक्टेंगल का एरिया, उसका पैरामीटर, उसकी रेडियस, इन तीनों को मेन मेथड में प्रिंट कराना है वहाँ से वहाँ, और ऊपर एक कस्टम क्लास बनानी है रेक्टेंगल नाम की, और वहाँ पे तीनों को प्राइवेट करके वेरिएबल को डिफाइन करना है ना। चलो देखते हैं आप सब कर पाते हो कि नहीं, है ना। तो कमेंट में आप अपना कोड जरूर डालना, जरूर 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 डालना, है ना। तो चलते हैं अब, बाय, है ना। और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए टाटा।